सर, जितने लोग पैसा कमाने के पीछे परेशान है उनका हाल है राकेश झुनझुनवाला की तरह। ये पूरा जीवन तुम्हारे ताकत पे चलता है। शक्ति पे ध्यान दो, ज्ञान पर ध्यान दो, पढ़ाई करो, तुम मत टेंशन लो। तुम सड़क पे जा रहे हो और तुमने बुलेट उठा ली दोनों हाथ से। हर जाति ने एक एक आदमी को पकड़ रखा है, उसी का ढोल बजाए रहती है। और यही बात जब मैं बोल देता हूँ तो इनको आग लग जाती, तभी हमको ट्रॉल करते हैं। कितने लोगों ने कुर्बानी दी। अब अगर भगत सिंह नीचे आ जाए ना, फिर से बुला लें अंग्रेजों को कि चलो यार तुम ही लोग ठीक हो, आओ। तुम चिंता मत करो, पैसे के पीछे मत भागो। ये मेरा तुम्हारा तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। वो किसके पीछे भागे? शक्ति के पीछे, ज्ञान के पीछे। पैसा इनका बाई प्रोडक्ट है। पैसा जो है वो शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। तुम सड़क पे जा रहे हो और तुमने बुलेट उठा ली दोनों हाथ से। कानपुर के सबसे रईस लड़की तुम्हारे बगल से गुजर रही, उसने देखा, बोले अरे ड्राइवर गाड़ी रोको जरा। बुलेट कौन उठाता है दोनों हाथ से यार? तुम सिर्फ शक्ति पे ध्यान दो। तुम भी स्त्रियां सिर्फ शक्ति पे ध्यान दो, पैसे पे तो ध्यान ही, बाई प्रोडक्ट खुद ही आएगा खुद। सर, जितने लोग पैसा कमाने के पीछे परेशान है उनका हाल है राकेश झुनझुनवाला की तरह। हार्ट अटैक का, रेनल डिसऑर्डर, सिपॉटी रुकी नहीं रही थी। रेनल डिसऑर्डर दुनिया की सबसे गंदी बीमारी, सोचो क्या कंडीशन रही होगी। शरीर से मल बहा जा रहा, रुकी नहीं रहा। 40,000 करोड़ नहीं, डिफिशियंसी है ना। जैसे मैं देखता हूं कुछ लोगों को पागलपन है, पागलपन की तरह काम करते हैं। ना शरीर पे ध्यान देंगे, ना खाने पे ध्यान देंगे। ये पूरा जीवन तुम्हारे ताकत पे चलता है। इलाहाबाद में योगा शिविर लगवा रहे हैं 4 से 8 नवंबर, स्वामी करमवीर को बुलाया है एपी ग्राउंड में। 70 साल के युवा, उनकी फोटो देखो तुम, चमकता हुआ चेहरा, 70 साल उम्र है, 40 किलोमीटर भागते हैं आज। शक्ति पे ध्यान दो, ज्ञान पर ध्यान दो, पढ़ाई करो, तुम मत टेंशन लो। तुम घड़ी नहीं पहने हो 2 करोड़ की, तो क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारे साथ 2 आदमी हैं टाइम बताने वाले, उनसे पूछ लो। हाँ, शक्ति इतनी होनी चाहिए कि तुमने फोन कर दिया, तुम्हें गाड़ी चाहिए, दिल्ली जाना है, 4 गाड़ियां चाहिए, तुमने फोन कर दिया किसी को, जयसवाल जाओ, हाँ साहब 4 गाड़ी लिया ना सुबह, जी भैया खड़ी, तुम बाय खरीद रहे हो, उसका मेंटेनेंस, उसका साफ सफाई, उसका टायर, उसका ऑयल, सब चिंता तुम्हारी। तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि जब तक मूर्खों के पास पैसा है तब तक समझदारों को कमाने की कोई जरूरत है नहीं। सिद्धांत है ये श्लोक की। इस देश की खास बात जानते हो, हर जात ने अपना एक हीरो चुन रखा है, हर जात ने, उसी का ढोल बजाती रहती। अंबेडकर 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 अंबेडकर, उधर पंडित बजा रहे हैं परशुराम परशुराम परशुराम, उधर राजपूत बजा रहे हैं राणा राणा राणा। अपना कुछ नहीं है, अपना भिगवंगा है। हर जाति ने एक एक आदमी को पकड़ रखा है, उसी का ढोल बजाए रहती। अगर उस बड़े आदमी को वो फॉलो कर ले तो वो पूरी जाति महान बन जाए। नहीं, कंपनी के लोगों ने कब्जा कर लिया। कंपनी टूथब्रश व्रश बेचने आई थी, आई उसने भारत के लोगों को देखा, भाई तो पागल है, जो देखो वही आईएएस बनने के लिए आ रहा है। भैया एनसीईआरटी पढ़ ले, पढ़ लो, पुरानी वाली नहीं, नई वाली भी पढ़ लो, पुरानी वाली छोड़ दे, पुरानी वाली में ज्योग्राफी वाली पढ़ लो, और हिस्ट्री वाली, हिस्ट्री वाली में मॉडर्न वाली पढ़ लो, और एंशियंट। इसको ग्रेजुएशन करने के बाद ये नहीं पता है कि एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए। अरे लैटिट्यूड अगर नहीं पता है तो क्लाइमेटोलॉजी कैसे समझोगे?
बिना बेस के कोई बिल्डिंग बनेगी? एनसीईआरटी पढ़ के तुम आईएएस नहीं बनोगे, लेकिन एनसीईआरटी पर कमांड पैदा करने से तुम्हारी जो एडवांस स्टेज की स्टडी है वो आसान हो जाएगी। इसलिए पढ़ना है एनसीईआरटी। सिंपल। टेनिसन एक अंग्रेज हिस्टोरियन है, उसकी किताब है इंडिया, उसने लिखा है कि अंग्रेज इतने हतप्रभ थे भारतीयों को देख के कि वे पागल वागल है, ये लोग अपने ही घर पे कब्जा करने के लिए पैसा दे रहे हैं कि भैया ये लो पैसा हमारे घर पे कब्जा कर लो। और यही बात जब मैं बोल देता हूं तो इनको आग लग जाती, तभी हमको ट्रॉल करते हैं, ये गाली दे रहा है ब्राह्मणों को, ये राजपूतों को गाली दे रहा है, तुम हो ही गाली खाने लायक, मिल के रहो। इतनी मुश्किल से ये देश बना है, कितने लोगों ने कुर्बानी दी। अब अगर भगत सिंह नीचे आ जाए ना, फिर से बुला लें अंग्रेजों को कि चलो यार तुम ही लोग ठीक हो, आओ चलाओ मोदी जी को उतारो, करजन कहां है, आ जाएगा टोपी उपी लगा के करजन। तुम रह ही नहीं सकते साथ में, तुम बिना मार खाए रह ही नहीं सकते।